जगदीप जी, जिस तरह के सिनेरियो बन रहे ने, बस मैंने उदाहरण दी हरियाणा की भी, उदाहरण मध्य प्रदेश की भी दी, आप राजस्थान की भी गल की, तो टसन जो है कई थावां देखने मिली है। हाई कमान के लिए तो वड्डी चुनौती है ही कि वख वख स्टेट्स जिस कदर कांग्रेस की स्थिति बन रही है, किस कदर इस टसन को खत्म करना है, लेकिन पंजाब के लिए आती विधानसभा चोणों के मद्देनज़र की लगता है कि बहुत जल्दी ये टसल खत्म हो जाएगी, की लगता है कि सी एल पी की अज की जो मीटिंग है फैसला कुछ साबित हो पाएगी? जगत बिल्कुल, मेरी बहुत सारे कांग्रेस के सीनियर नेता जिहड़े उन्होंने गलबात हो रही है और अंदर खाते हुए भी कहते हैं कि कांग्रेस को कभी कोई दूसरी पार्टी हरा सकती, कांग्रेस को सिर्फ कांग्रेस ही हरा सकती है, क्योंकि जिस तरह अभी देखा है कि लोकल बॉडीज इलेक्शन जितने तो बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह फ्रंट फुटते थे और अजिहे क्या सराइया चल रही थी पंजाब की सियासत में कि कांग्रेस जी है दोबारा सरकार बना सकती है। लेकिन पिछले चार महीनों की जो गलबात करिए तो पिछले चार महीनों जो कांग्रेस की आपसी अंदरूनी लड़ाई थी जी सिविल वॉर हो रही थी उसने सारा कुछ जोड़ा है वो कांग्रेस लिए बड़ा नुकसान वाला जी सिचुएशन है बनाती है। मैं हमने उन्हें एक मोहम्मद मुस्तफा जेडे पंजाब के डीजीपी रह चुके हैं और पंजाब की जी ट्रांसपोर्ट मंत्री है रजिया सुल्ताना उन्होंने पति भी ने और उन्होंने नवजोत सिद्धू ने अपना एडवाइजर लाया थी, उन्होंने हमने एक ट्वीट करके कहा है कि अज कांग्रेस को मौका है कांग्रेस को कैप्टन अमरिंदर सिंह तो आजाद कराने का। उन्होंने यह भी कहना कि 80 MLA जोड़े है उन्होंने जोड़े 79 MLA है वो अज उन्होंने को मौका सीएम चुनने का। लेकिन मैं इनू समझागा कि जी एक राष्ट्रीय सूझबूझ की कितना कितने कमी लग रही है, इलेक्शन में सिर्फ 150 तो घट दिन रह गए और उस अगर सीएम चेंज होंगे पंजाब के कांग्रेस को यह वाला स्थान जोड़ा है वो देखना पड़ेगा। अभी देखा है कि थोड़े दिन पहला गुजरात के विजय रूपानी जोड़े उन्होंने मुख्यमंत्री के नाल उन्होंने पूरी टीम पूरा जोड़ा उन्होंने मंत्रिमंडल से उसकी छुट्टी हो गई थी। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के यही फर्क है कि बीजेपी के डिसिप्लिन मनिया जाता पार्टी से हाईकमान की पकड़ मजबूत है, लेकिन पंजाब की गल करिए तो पंजाब कांग्रेस जी है जी जी केंद्र सरकार कांग्रेस है जी आई एन सी इंडियन नेशनल कांग्रेस उन्होंने वो उस पोजिशन से नहीं है कि वो अफोर्ड कर पा। पोस्टर लगने शुरू हो गए जेडे कांग्रेस भवन के और एक माहौल दिता जा रहा है कि हूँ कौन होएगा। लेकिन दिलचस्प गल है कि अगर कैप्टन को हटाने लिए ज्यादातर MLA जोड़े है वो हामी भरते हैं तो अगला कौन होएगा अगला मुख्यमंत्री ये एक बहुत बड़ा सवाल होएगा। 5-6 चेहरिया की गल हो रही है कि उन्होंने क्रेडिबिलिटी है कि वो 150 साल के 150 दिन के पंजाब जोड़ा है उन्होंने कितने लैके जाएंगे, क्योंकि जो कहते हैं कि अगर सीएम उत्ते तोहमत लाई जा रही है कि सीएम फेल हो गए ने पंजाब से कि उन्होंने मंत्रिमंडल जोड़ा है उन्होंने जिम्मेवारी नहीं बनती, ये तो कलैक्टिव जी रिस्पोंसिबिलिटी कह सकते हैं कि जोड़ा पूरी जी जी सरकारी मशीनरी आमतौर पर अभी देखते हैं कि आखिरी 6-7-8 महीनों च जी भी रूलिंग पार्टी होंगी है बहुत ज्यादा काम करती है ताकि वोटर की भी मैमरी बड़ी शॉर्ट होंगी है उन्होंने लगता है कि बड़ी डिवेलपमेंट होगी। लेकिन इस बार अभी देख रहे हैं पहला कोरोना के करके तो हूँ कांग्रेस की खिचोदान जी हो रही है उस करके पंजाब के डेवलपमेंट जी नाम मात्र हुई है और उसका नुकसान जोड़ा कांग्रेस में जरूर मिलेगा कि वो पार्टी का चेहरा बदल के उसका फायदा होएगा एक गदन देखने वाली गल हुई। जिस तरह के तुसी भी शुरुआत भी चुके है कि कांग्रेस का नुकसान सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है, विरोधी धिरां दे वल्लों भी इल्जाम ने और हमेशा अक्सर असीं सुणदे हां कि जो स्क्रिप्ट दिल्ली तो लिखी जाती है आखिरकार वो स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है, आखिरकार इस तरह की स्क्रिप्ट कौन तैयार कर रहा है और क्यों तैयार कर रहा है कि कांग्रेस ही कांग्रेस नूं खत्म कर दे। लेकिन कांग्रेस का जिहड़ा वर्कर है वो मायूस है कि आखिर किया की जाए, क्योंकि पहला करीब एक महीना पहला मुख्यमंत्री नाल मुलाकात के समय मैं उन्होंने पूछा कि तुसीं मंत्रिमंडल जोड़ा उन्होंने चेंज करोगे और फिर बदल करोगे तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल असं एक हफ्ते में करा। लेकिन जी हाईकमान थी उन्होंने कैप्टन साहब भी चलन नहीं दी थी और वो जरा सनैरियो बनया हुआ कि नवजोत सिद्धू अगले एक हफ्ते के पार्टी रीजिक करने वाले थे पार्टी जोड़े पार्टी के जोड़े डिस्ट्रिक्ट प्रधान है उन्होंने लाने वाले थे और अहदेदार जोड़े चेंज करने वाले थे। लेकिन उस जो पार्टी के दो जोड़े सीनियर नेता ने जो उन्होंने आपस एक सुर रही हैं वोटा तो 5 महीने पहला तो पार्टी को उसका नुकसान जोड़ा यकीनन भुगतना पड़ेगा। सो जी स्क्रिप्ट लिखी गई है यह कहा जा रहा है कि बुधवार को जोड़े MLA से कांग्रेस के जोड़े डिसग्रंटेड MLA कह सकते हैं जिन्होंने 4 मंत्री ने और प्रगट सिंह जोड़े जनरल सैकटरी बनाए गए नवजोत सिद्धू वालों इन्होंने एक सिग्नेचर कैंपेन चलाई थी और उस तो बाद 40 सिग्नेचर का दावा किया जा रहा है, हालांकि यदि पुष्टि कोई नहीं कर रहा 40 जोड़े सिग्नेचर का दावा किया गया कि वो
कल सोनिया गांधी नूं हरीश रावत ने दिल्ली मुलाकात की और उस तो बाद करीब 11:30 बजे रात नूं एक ट्वीट किया कि यह मीटिंग जरूरी मीटिंग बुलाई जा रही है। सो कैप्टन अमरिंदर सिंह को बहुत मुश्किल नाल 12-14 घंटे सीए 5 बजे तो पहला और हूँ देखना होगा कि जेड़े एमएलए जेड़े सठ एमएलए दावा किया जा रहा है राणा सोढ़ी के कारखाने से किटे हुए थे वो कह रहे थे कि असं कैप्टन के नाल खड़े हैं कि वो खड़े रहेंगे क्योंकि एक बार हाईकमान का डंडा चलता है तो बहुत सारे जेड़े नेता ने उन्होंने भी मजबूरियां बदल जाती है। लेकिन एक ये भी गल है कि सारा जेड़े मंत्री ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुकाबले जेड़े उन्होंने नाल ने साथी उन्होंने उन्होंने सिर्फ 4 मंत्री उन्होंने अगेंस्ट बोल रहे हैं तो 13 मंत्री जेड़े है उन्होंने इंकलूडिंग वो अज भी उन्होंने खड़े ने तो एमपी जेड़े है पंजाब से जेड़े एमपी है 9 एमपी ने उन्होंने भी जी है किसी ना किसी झुकाव कैप्टन अमरिंदर सिंह नाल है कि वो कैप्टन साहब ने सपोर्ट करेंगे ये देखने वाली गल होगी। लेकिन चंद घंटिया के बाद पंजाब की तस्वीर वो साफ हो जाएगी। जी जी जगदीप जी वासु मनचंदा न्यूज रूम तो जुड़े हुए हैं थोड़ा कुछ सवाल करना चाहते हैं वासु ओवर टू यू। बिल्कुल जगदीप जी जिहड़ी सियासत है वह लगातार भकती जा रही है लगातार जिहड़ी है हलचल जिहड़ी है वह भी तेज़ हुंदी जा रही है दोहां धड़ियां वल्लों जिहड़ी है वह अपनी जिहड़ी एक धड़ेबंदी नूं मजबूत भी किया जा रहा है। पर उस तो पहलां एक ट्वीट भी हुणे आया है उस ट्वीट के मायने मैं तुहाडे तों जानना चाहांगा। मुहम्मद मुस्तफा वल्लों एक ट्वीट किया गया उन्हां कहा है कि 4.5 साल पहलां कांग्रेस के 80 विधायक जिते पर विधायकों नूं कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं मिलिया अज 79 विधायकों के कोल कांग्रेस का सीएम चुनन का मौका है। ये मुहम्मद मुस्तफा होना वालों हमने ट्वीट किया गया बस देखो 4.5 साल पहला जो कांग्रेस पावर च आई थी तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का चेहरा जिहड़ा सी उहनूं देखदे होए सी क्योंकि सबनों पता है कि जिहड़ी कांग्रेस जिहड़ी है नैशनल लैवल से वो कितने भी दिख नहीं रही हाशिए ते दिख रही है। लेकिन जिहड़ा एक हुंदा परसनैलिटी कल्ट जिहड़ा कैप्टन अमरिंदर सिंह का सी ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਸੀ 70 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਐਲਏ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਉਹ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ ਰਹੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 64 ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਤੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 80 ਐਮਐਲਏ ਆ ਜਿਹੜੇ 90% ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਏਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਸੀਗੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਸੋ ਕੀ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬਦਲਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵਾਅਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਾਰ ਸਲਾਰ ਨੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 20-30 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਸੀ ਔਰ ਅਕਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਿਵਾਈਵਲ ਦਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣ ਪਾਣ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਰ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਾਇਕ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 150 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚਾਹੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 18 ਨੁਕਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਹੋਇਆ ਉੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲੇਮ ਕਰ ਲਓ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਔਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਲਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੀ
दावे जिहड़े कीते जांदे आ किते ना किते पूरे नहीं हुंदे। सो देखना होएगा हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं जिहड़ा कह रहे कि 4.5 साल दे बाद की कांग्रेस नूं नवा नेता मिलेगा। सो बड़े सवाल पब्लिक दे भी है, वह असीं पब्लिक दे जरिए सवाल उठावांगे कि अगर 4.5 साल विच कैप्टन कांग्रेस दे MLA दा पसंदीदा मुख्यमंत्री नहीं सी ते फिर क्यों नहीं बगावत पहला प्रॉपर की, जे 17 विचों 4 जिहड़े मंत्री ने वो एक पासे ने, 13 जिहड़े मंत्री ने कैप्टन दे इंक्लूडिंग वो एक पासे ने, फिर क्यों नहीं चुप, क्यों नहीं ये लोग बोले? हुण देखना होएगा कि सीनियर लीडरशिप जिहड़ी है, क्योंकि इहो जी खबर आ रही कि 1 बजे अजय माकन जिहड़े हाईकमांड दे खासम खास ने और हरीश चौधरी वो भी ऑब्जर्वर बन के आ रहे हैं, तो सीनियर लीडरशिप नाल सेपरेट गल करनगे और कंसेंसस बनाने की कोशिश की जाएगी, कैप्टन साहब नूं बनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अजे चांसेस बहुत घट ने। जगन जी बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस का निशान है पंजा, उसके दो मतलब ने कि हाथ दे नाल हाथ मिला के भी काम करना, या फिर दूसरा की मतलब है समझा जाए कि कैप्टन ते शिकंजा जकड़न की तैयारी हो रही है।